2080। इस साल डॉक्टर मास्टरसन के अनोखे आविष्कार सौर्य छतरी की 10वीं जयंती है। अब दुनिया के 70% जनसंख्या को ऊर्जा के संकट को बिल्कुल नहीं झेलना पड़ेगा। इससे मानव जाति को कई ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हमको है। साथ ही इसका हमारे पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्ञात सूत्रों के अनुसार आज सौर्य ऊर्जा के पिता डॉक्टर मास्टरसन टैंग वंश के स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करेंगे। क्या वो खबर पक्की है? खबर तो बिल्कुल पक्की है, पर जानकारी बहुत कम है। खबर पक्की है, आतंकवादियों ने ये काम पेशेवर कातिलों को सौंपा है। उनका मकसद है आज के एग्जीबिशन में डॉक्टर मास्टरसन का कत्ल करना। उन्हीं की वजह से कई ऊर्जा व्यापारियों को नुकसान हुआ है, वो ही उन्हें मारना चाहते हैं। इस बार कातिल इंसान नहीं बल्कि साइबॉर्ग्स होंगे। दिखाओ। ये तो बहुत भद्दे हैं, कीड़ों जैसे लग रहे हैं। एक बात समझ लो, ये मिशन बहुत ही खतरनाक होगा। हमें बहुत ध्यान देना होगा। अपने हथियार ले लो। एग्जीबिशन शुरू होने से पहले कार्यवाही के लिए अपनी पोजीशन चुन लो। यस सर। मिली, सुनो, तुम घर चली जाओ, बच्ची अकेली है। क्यों जाऊं? जब भी तुम्हारा कोई खतरनाक मिशन होता है तो मुझे पीछे क्यों छोड़ देते हो? तुम मेरे बिना क्यों जाते हो? पता है घर में अकेले इंतजार करना कैसा लगता है? डर लगता है, डर लगता है कि अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं मेरा जानता क्या? मैं सब कुछ समझता हूं, पर इस वक्त मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं भी चलूंगी। जब भी तुम दोनों के साथ होता हूं तो कई बार अहम फैसले नहीं कर पाता, पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे भी अपनी बेटी की बहुत फिक्र है। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, चलती हूँ। एग्जीबिशन हॉल में 30 सेकंड बाद दाखिल होंगे। सुनो, सबको बता दो, सुरक्षा कड़ी कर दी। जी सर। और अब मैं टैंग वंश के दबे हुए स्मृति चिन्हों के एग्जीबिशन का शुभारंभ करता हूं। मैं डॉक्टर मास्टरसन से अनुरोध करता हूं कि वो इसका उद्घाटन करें। मिली, डॉक्टर मास्टरसन को बचाओ। मेयर, चलिए यहाँ से। चलो, सब लोग निकलो यहाँ से, जल्दी।
चलो चलो इस तरफ चलो। जी सर। Oh!
मिली मिली आगे जाओ, रोको उसे। करो सॉक्स पहन लो पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। नहीं पहननी है देखो, मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है। जल्दी करो चलो पहनो। नहीं पहननी है मेरी मानो। ये क्या शोर हो रहा है शैतान कहीं की। हां चलो जल्दी से सॉक्स पहन लो। बिल्कुल बात नहीं सुनती है। नहीं पहनना। चलो खुद पहनो। सॉक्स क्यों नहीं पहनती? बीमार हो जाओगी ना। परेशान करके रखा हुआ है। बहुत मस्ती कर दी, बहुत शरारती हुई। मुझे मत मारे पापा। चलो अब खाना खा लो। नहीं खाना तो मैं मम्मी को खिला देता हूँ। ये लो खाओ। लकी था। और क्या, तुम असली समझ रही थी? अरे क्यों ले लो। बचाओ, अरे इसे पकड़ो ना कीकी। ये लो। अरे मैं तो गिर गया। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये लो ये लो और लो। मालूम था आप यहीं होंगे। इसी जगह पहली बार उसे प्रपोज किया था। जो आपकी पत्नी के साथ हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे। किसी ने टाइम ट्रेवल के वो गुप्त दस्तावेज चुरा लिए हैं जिन्हें कई देशों ने मिलकर तैयार किया था। टाइम ट्रेवल? कितने पीछे तक जा सकते हैं? लगभग 100 साल पीछे तक। चुराए किसने? जिन्होंने डॉक्टर मास्टरसन को मारने की कोशिश की वो लोग समय में पीछे जाना चाहते हैं।
ताकि युवा डॉक्टर मास्टरसन को मार सके और इससे इतिहास बदल सकता है। मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना है। इस ऑपरेशन के बाद आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर साइबॉग बन जाएंगे। आप अकेले ही रोबोट्स की पूरी सेना के बराबर होंगे। कोई कमजोरी नहीं होगी। नहीं, ऐसा किया तो सिर्फ सिर और दिल इनका रह जाएगा। ये खुद को इंसान कैसे कह सकेंगे? इस मिशन के लिए हमें बहुत ही बहादुर और दिलेर आदमी की जरूरत है। अगर दम नहीं है तो अभी भी पीछे हट सकते हो। बिल्कुल नहीं, मैं तैयार हूं। कैलॉन, चुप रहो। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तो ठीक है, मैं भी ऑपरेशन करवाऊंगी। अच्छे से गले मिल लो। अफसोस पर यह तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद तुम्हारे शरीर बदल जाएंगे। उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी? 12 साल। मैं टाइम ट्रैवल करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी यादों को डिलीट नहीं किया जाएगा। सन 2020। केडब्ल्यू फॉस्टर, तुम ऐसे की एग्जाम में फिर से फेल हो गए। तुम्हें कीकी का ऐसे पढ़ लेना चाहिए था। तुम्हें ऐसे का टॉपिक तो मालूम है ना? मेरे पापा। कीकी का ऐसे सबको बहुत पसंद आया। पर मेरे पापा पिछले 9 महीनों से घर नहीं आए हैं। मैं क्या लिख सकता था? इसलिए तुमने ब्लैंक पेपर ही दे दिया। तो क्या करता? आपको पता है मुझे तो अपने पापा का चेहरा तक याद नहीं है। मैम, बकवास बंद करो। जाओ, बाहर जाकर खड़े हो जाओ। छोड़ूंगा नहीं। मेरे पापा एक ट्रैफिक पुलिसमैन है। वह अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर हर रोज सड़कों पर गश्त लगाते हैं। वो आते जाते लोगों को देखकर मुस्कुराते हैं। कड़ी धूप में भी वो लोगों की मदद करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि ट्रैफिक सामान्य रूप से चलता रहे। मेरे पापा कहते हैं कि पुलिस वाले जनता की सेवा करते हैं। नागरिकों की सुरक्षा पुलिस का फर्ज है। डॉक्टर, क्या तुम अपना कैमरा अपने साथ लाए हो? हाँ। तुझे पता है ना, मुझे कीड़ों की तस्वीरें लेना कितना अच्छा लगता है। मुझे दोगे क्या? आज होमवर्क के लिए मेरी मदद नहीं मांग रहे तू? नहीं किया तो सजा मिलेगी। होमवर्क बाद में कर लूंगा, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है। आज कौन सी नई शरारत सूझ रही है? कीकी अपने पापा को हीरो बनाकर पेश करती है, पर मैं नहीं मानता हूँ। मैं उसका पीछा करूँगा। हो सकता है उसके पापा बहुत ज्यादा मोटे हों, जिनसे बाइक पर ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता हो। पर उससे क्या होगा? मैं उनकी वीडियो फिल्म बनाऊंगा, स्कूल में सबको दिखाऊंगा और सब कीकी पर बहुत हंसेंगे। तब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मिस हॉली, किकी, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई हो? पापा ने कहा था कि वो यहाँ 4 बजे मिलेंगे। आज वो मुझे कुछ दिलाने वाले हैं। क्लोजअप लेना उसका, पता चलना चाहिए ना वीडियो में कौन है। कर, मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? मिस हॉली, भोंदू से संपर्क नहीं हो रहा है। पागल है वो, कल कहा था जहाँ डकैती होने वाली है वो हमसे संपर्क करेगा। पता नहीं कहाँ मर गया है वो। मैं यहाँ हूँ। कूड़ेदान में क्यों छुपे हो? सुरक्षा के लिए पिछले 6 साल से मैं जासूसी का काम कर रहा हूँ, छुपने के सारे तरीके जानता हूँ। अच्छा, तो कहाँ है वो लुटेरे?
वो 3:50 पे आएंगे सुनार की दुकान पर, मुझे पूरा ध्यान है। 3:50? जानते हो 4 बज रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, मेरी घड़ी हमेशा सही वक्त दिखाती है। मेरी कौन है ये छुटकी? ये किट की बेटी है। मेरा नाम छुटकी नहीं कीकी है, समझे? तुम्हारी जबान तो तुम्हारे पापा से भी तेज चलती है, बोलने में वो भी उस्ताद है। मेरे पापा तो काम में उस्ताद हैं, बोलने में तो उस्ताद तुम लग रहे हो। कीकी, ये मिस्टर जिंग हैं, ये हमारे साथी हैं, इसलिए हम इन्हें निकनेम से बुलाते हैं। ओ समझी, तो ये है मिस्टर भोंदू। चलो हटो। पासवर्ड याद है ना? बिल्कुल याद है। मिस हॉली, उसे भूलने की आदत है, उसे पासवर्ड याद है ना? हाँ उसे याद है, क्योंकि यही पासवर्ड है। ओ तीनों अभी तक आए क्यों नहीं? अरे वाह, औरतों के कपड़े में तो बहुत जच रहे हो। समझ नहीं आ रहा तुम जैसे बेवकूफ को जासूस किसने बनाया। जासूस क्या कह रहे हैं आप, जासूस और इशारा करेगा, अब देखता हूँ कैसे इशारा करेगा। चल चल कीकी, यहाँ पर मत रहो, अपने पापा का इंतजार सड़क के उस तरफ करो, अगर कुछ होता है तो तुम फौरन छुप जाना, समझी? ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। पापा, अब आकर उठाओ तो। नहीं देखा। देखा कैसे कार्टून है उसके पापा। अगर हम इस वीडियो क्लिप को इंटरनेट पे डाल देंगे ना, किकी गड्ढा खोद लेगी अपने छुपने के लिए। हाँ सही कहा। हिलना मत। खबरदार। बेटे तुम यहाँ छोड़ो, उन्हें छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, जल्दी ऐसे खड़े मत रहो, उनका पीछा करते हैं, हमें और अच्छे शॉट्स मिल सकते हैं। सही कह रहे हो। जल्दी चल, जल्दी चल, चल। दो किड्स आओ, कैसे हो गए? मैं सिर्फ तुम्हारा भ्रम हूँ। क्या भ्रम? सही सुना, ये भ्रम है कि भूत है, क्या है ये? सुपरमैन! भूत भूत कुछ नहीं होता बेवकूफ, ये सिर्फ तेरा भ्रम है। मैं क्या हूँ, भूत हूँ या कोई भ्रम? तुम तो भ्रम वाले भूत हो। यहाँ जाओ, मेरे पास आ। Thank you.
किड, किड तुम ठीक हो ना? अरे ये तो बच गया। किकी, यहाँ पर क्या हुआ था? मुझे पता नहीं। किड यहाँ क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता, बेहोश हो गया था। अजीब बात है। देखो किकी, अब और नहीं, एक ही बात तुम कितनी बार पूछ चुकी हो। बस एक बार और। बस एक बार? तो ठीक है, पूछो। आज जब हम छत पर थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, पर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, वो चोर जमीन पर थे। कैसे? बताइए ना डैड, कैसे? ऐसा हो सकता है कि आपस में उन तीनों की लड़ाई हो गई हो। हो सकता है ना? हो सकता है। अब खाओ। आप भी। अच्छा। हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, अब खाना खाओ प्लीज। ठीक है, खाती हूँ। खाओ। वाओ! सच में यार, ये तो सच्ची मुच्ची के सुपरमैन है। क्या उड़ते हैं ना। चलो ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? पर क्यों? अगर सबको पता चल गया किकी के पापा सुपरमैन है, तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, हमको मौका नहीं मिलेगा। किस चीज का मौका? उनका चेला बनने का। हम उन्हें अपना उस्ताद बनाएंगे। और क्या, जरा सोचो, अगर तुम भी उनकी तरह इतनी ऊपर तक उछल पाओगे, तो हाई जंप का 2024 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल और कोई जीत सकेगा। अरे हाँ, ये सब तो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं। गधे हो तुम। मॉम, तेरी मॉम तो बहुत छोटी है, बहुत जल्दी पैदा हो गया था तू। वो मेरी सौतेली मॉम है। मेरी मॉम मुझे जन्म देते हुए मर गई थी, पर ये भी बहुत अच्छी है। पर इतना उदास क्यों लग रही है वो? मेरे डैड 9 महीनों से घर नहीं आया है, इसलिए दिन भर रोती रहती है बस। कहीं वो आत्महत्या तो नहीं करेंगी ना यार? एक दूर क्या अभी पागल। खाना लाई हूँ। नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है? पागल समझ के बांध रखा है मुझे, ये बात है। क्या मैं तुम्हारा दिल बहला दूं? वो कैसे? अपने दोनों हाथों से मैं तुम्हें खुश कर सकती हूँ। नहीं, मुझे मसाज नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं। थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी, अपने दोनों हाथों के साथ कहो तो जीभ भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम मजाक कर रही हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। ठीक है, तुम तैयार हो? हंसने लगे ना। मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। तुमने तो डॉक्टर से कहा था कि किड जाओ कल सुपरमैन बन गया था और उसने लुटेरों को बहुत मारा। हाँ, उन्होंने कहा वो मेरा भ्रम है, फिर मैं बेहोश हो गया। हाँ, वो तुम्हारा भ्रम हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उन तीनों ने भी तुमसे यही कहा ना, अब चारों को एक जैसा भ्रम कैसे हो सकता है? तो किड जाओ वाकई सुपरमैन है? ये नामुमकिन हो सकता है, लेकिन मैंने जो सुन लो जिंग, मैं तुम्हें घास नहीं डालती हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे किड जाओ पसंद है। तुम उसे ऐसे मत फंसाओ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा नाम भोंदू से बदल कर गधा रख देना, क्या आप ठीक है? सोच समझ कर कुछ कहो, वरना यही बेड पर पड़े रहोगे। चल अपना नाम बता जल्दी। जानती हो, तीनों लुटेरों का कहना है कि किड जाओ सुपरमैन है, क्या तुमने इस बारे में सुना है? हाँ मैंने भी सुना, और अब वो सब हॉस्पिटल में हैं। हाँ, मैंने उन पर लाई डिटेक्टर इस्तेमाल किया है, वो लोग झूठ नहीं बोल रहे। तो तुम्हारे हिसाब से किड सुपरमैन है? बेशक नहीं, वो लाई डिटेक्टर खराब है।
पर हमारे जासूस भोंदू का भी बिल्कुल यही कहना है, इसलिए शक होना लाजमी है। बदकिस्मती को बंधक बनाकर चाकू मारा था, हो सकता है कि वो सदमे में हो। डॉक्टर के मुताबिक वो अच्छे से जवाब दे रहा है। किट जाओ ने उसे कहा था कि उसे भ्रम हो रहा है। वैसे कल असल में वहाँ हुआ क्या था? मैंने रिपोर्ट में सब कुछ लिख दिया है। हाँ, रिपोर्ट तो मैंने पढ़ ली है। और हाँ, वो कुछ देर के लिए तुम्हारी नजरों से ओझल हो गए थे ना, उस दौरान क्या हुआ था? उस दौरान वो किट और उनकी बेटी को बंधक बनाकर छत पर ले गए थे और उनके करीब जाना ठीक नहीं था। लगभग एक मिनट बाद हम गोली की आवाज सुनते ही वहाँ पहुँचे। तो उस एक मिनट में जब वो तुम्हें नहीं दिखे, उन तीन लुटेरों और भोंदू के अनुसार किट सुपरमैन में बदल गया था। चलो। कहाँ? सुपरमैन के पास। मुझे बुलाया? तो सुपरमैन? कौन सुपरमैन? किसी ने कहा है कि तुम सुपरमैन हो। आखिर किसने फैलाई ये अफवाह? उन तीन लुटेरों ने जो आपस में लड़ पड़े थे। क्या किया था तुमने उनके साथ? अरे भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे भी अजीब लग रहा था कि मेरे मुक्के पर वो तीनों अपना मुंह क्यों मार रहे थे। किसी को चोट लगी और तुम हंस रही हो, मुझे लगा तुम्हें अफसोस होगा। इसमें अफसोस क्या करूं? अगर तुम सुपरमैन हो तो सारे बदमाशों को तुम खुद ही पकड़ लो, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। याओ, याओ, मैं एक बात बताता हूं। असल में मैं क्या हूं तुम्हें पता है? बैटमैन। अच्छा मजाक कर लेते हो। अब समझा कि हॉली तुम्हें पसंद क्यों करती है। ए, चुप रहो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम कैसा गाते हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मेरे गाने की बात मत करना। क्या बात है? कुछ नहीं, तुम बस अपना ख्याल रखना बैटमैन, चलता हूँ, बाय। मिलते हैं। बहुत बिजी रहता है ये। एक बात बताऊं किट? हाँ, कहो। इसकी एक्स गर्लफ्रेंड मेरी क्लास में, पता है कितना गंदा गाता है। कितना गंदा? अरे बहुत ही बुरा, बहुत बेसुरा है। पिंकी की बर्थडे की पार्टी थी, शादी का प्रपोजल आया, हमने इससे एक गाना गाने के लिए जबरदस्ती की। तुम सोच नहीं सकते कि कितना बुरा गाया, कितना अत्याचार किया। पूरा गाना सुनाकर ही चुप हुआ। और मेरी क्लासमेट को रोना आ गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ कह दी? उसके बाद क्या हुआ? जैसे आई वैसी ही गई, सगाई के कुछ दिन बाद ही अलग हो गए, तब से किसी से प्यार नहीं हुआ। वैसे ये इंसान बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि इसे मेरी क्लासमेट से भी ज्यादा अच्छी लड़की मिले। तुम्हें भी क्यों नहीं। क्या करूं, वो चाहती है मुझे। नहीं। आप सन 2020 में किसी से प्यार नहीं कर सकेंगे, उससे इतिहास बदल जाएगा। नहीं चाहते इतिहास बदले? वहां ज्यादा देर मत रुकना, मिशन पूरा होते ही आप वापस आ जाना। आपकी पहचान हर हाल में गुप्त रहनी चाहिए, वरना कातिल सतर्क हो जाएंगे और डॉक्टर मास्टरसन को बचाने का मिशन असफल हो जाएगा। सड़क के बीच में तुम दोनों को देखकर चलना चाहिए ना। सॉरी, माफ करना। आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई हमारी। तुम दोनों यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। हमें पता चल गया आप सुपरमैन हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, पर आपको हमें अपना चेला बनाना होगा। क्या कहा तुम दोनों ने अभी अभी? हाँ? आप क्या सोच रहे थे कि हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे? तुम दोनों कोई न्यूज चैनल वाले हो? हाँ, बिना पूछे फिल्म बना दी? जानबूझकर नहीं बनाई थी। वैसे इस डिस्क को तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कॉपीज हैं इसकी। बहुत सारी कॉपीज? हम्म। यहाँ सुनो, सुनो।
क्या किसी और ने भी ये देखी है? अभी तक तो किसी ने नहीं, सिर्फ हम तीनों ने देखी है। पर अगर आपने हमें अपना चेला नहीं बनाया तो हम ये डिस्क सब न्यूज चैनल्स में दे देंगे। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? उस्ताद गलत मत समझिए, हम आप जैसा बनना चाहते हैं। हमें सुपरमैन इंजीनियर बना दीजिए ना, हमें आप जैसी सुपर पावर चाहिए। गरीबों की मदद करेंगे, अपराधियों को पकड़ेंगे। खड़े हो जाओ। जब तक आप हमें सिखाने के लिए हाँ नहीं कहेंगे, हम खड़े नहीं होंगे। ठीक है, तुम्हारे पास जो चीज है उसने मुझे मजबूर कर दिया है। तुम दोनों मेरे चेले हो। मेरा चेला बनने के लिए तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी याददाश्त की नस दबा दूंगा और तुमने जो कुछ भी सीखा वो भूल जाओगे। वो नियम क्या है? ये बात किसी को मत बताना कि हम सब सुपरमैन हैं। बिल्कुल नहीं बताएंगे। आज के बाद तुम हो सुपरमैन 2 और तुम हो सुपरमैन 3। खात्मा करो इस शैतान का। छोड़ो भी, पास हो रहा। छोड़ो ना। आप भी ना। क्या कर रही है? इसके पैसे कौन देगा? हमें मत मारो, हमारे पास बहुत सारी कीमती चीजें हैं, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। हाँ, हमारा फर्नीचर भी इंपोर्टेड है, आपको जो कुछ भी चाहिए आप ले जाइए। कैलोन, यकीन नहीं होता ये बेवकूफ सर्जन है। ये कौन सा साल चल रहा है? 3 दिसंबर। मैंने तुमसे साल पूछा। आज 3 दिसंबर 2020 है, 2020 चल रहा है। आज 3 दिसंबर 2020 है। हम ब्रह्मांड के दूसरे दरवाजे से दाखिल हुए हैं। पहला दरवाजा 2018 में बना था। पता नहीं वो कौन से वक्त के दरवाजे से दाखिल हुआ होगा। अगर वो पहले दरवाजे से आया होगा तो 2 साल पहले पहुंच चुका होगा। यही उम्मीद है। उस पुलिस वाले ने मेरे भाई को मारा है, उस किड्जाओ ने। मैं उसे दर्द में डुबा दूंगा, अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। कैलोन, तुम चिंता मत करो। एक बार डॉक्टर मास्टरसन मिल जाए तो वो हमें अपने आप मिल जाएगा। Yeah.
भोली मत बनो। तुम्हारे पापा हम दोनों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं। तुम्हारे पापा हमारे उस्ताद हैं। तुमने भी तो सीखा होगा। अब से हम सब एक परिवार हैं। मेरे पापा ने सिखाया तुमको ये करना। छोटे हो तुम दोनों। ओह, लगता है उस बात के बारे में इसे अभी तक पता ही नहीं है। बेचारी, इसे अपने डैड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। चलो अब इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है। एए, तुम दोनों छूटे हो। अरे मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मेरा पीछा मत करो। पर हुआ क्या लोगों को? आने मत देना। प्लीज रुक जाओ। मीडिया से एक सवाल। हमें जाने दीजिए सर। आप हमें रोक। आज हम मीडिया को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। वहाँ वो यही कहते रहे कि उन्हें सुपरमैन ने मारा था और ये बात मीडिया तक पहुँच गई और ये यहाँ गए। पर हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? ये मीडिया वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं, बच के रहना। कोशिश करूंगा। सर्जन मास्टरसन बुला रहे हैं। जिससे देखो यही पूछ रहा है कि वहां आखिर हुआ क्या था। शायद तुम्हारा यहीं रुकना ठीक रहेगा। ठीक है। लुटेरों की बातों पर लोग ज्यादा देर यकीन नहीं करेंगे और प्रेस से बात करने का उन्हें मौका मिलेगा नहीं। अगर फिर भी किसी ने इसे सुपरमैन कहा तो क्या? नहीं, बस बहुत हो गया। अब तुम देखते जाओ, कोई ऐसा नहीं कहेगा। हाँ क्या बात है? माफी चाहूंगी सर, किड्जाओ आपके लिए एक बच्चे का फोन है। वो आपको बताना चाहता है कि उसकी मम्मी आत्महत्या करने वाली है और वो चाहता है कि आप सुपरमैन बनकर उन्हें बचाएं। कौन है ये बच्चा? वो कह रहा है कि वो किड का चेला है। वो सुपरमैन नंबर 2 है। उसका नाम है KW फॉस्टर। मुझसे बात करा उसकी? जी सर। उस्ताद, मैं KW बोल रहा हूँ। मेरी मॉम, मेरा मतलब मेरी सौतेली मॉम, वो बालकनी की रेलिंग पर बैठी है और कह रही है कूद जाएंगी। कह रही है मेरे डैड ने उनसे तलाक मांगा है। मेरे डैड उन्हें और मुझे छोड़ना चाहते हैं। जो आपने सिखाया है वो काम नहीं आ रहा है। आप आकर उन्हें बचाइए जल्दी। वो देखो वहाँ। वो वहाँ से गिर सकती है। बचाओ दल कहाँ है? वो रास्ते में है सर। वक्त बहुत कम है, मुझे ही जाना होगा। साजन, तुम एक साल से किसी बचाव अभियान पर नहीं गए हो। हाँ जानता हूँ, पर मैं अकेले ही जाऊँगा। चलो चलो उस तरफ चलो। हाँ देखो वहाँ प्रेस वाले पहुँच गए। वो तुम्हें देख लेंगे। तुम जल्दी जाओ और उस औरत को अंदर बुलाने की कोशिश करो। मैं ऊपर से आता हूँ, उसे अपनी बातों में लगाओ। जाओ। तुम दोनों सबको आगे आने से रोको। जी। फायरमैन से कहो कि एयर कुशन का इंतजाम करें। जी। चलिए जल्दी। मेरी मॉम रेलिंग पर बैठी है, कह रही है कूद जाएंगी। मॉम, अब सुपरमैन आ गया है। रुक जाओ, वरना मैं कूद जाऊंगी। हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। दोस्तों, आप महान पुलिस सुपरमैन किड्जाओ के बचाव मिशन का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। वो एक महिला को समझाकर उसे आत्महत्या करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं वो अपने मिशन में सफल हो पाते हैं या नहीं। सर, ऊंचाई काफी ज्यादा है, बचाव दल का इंतजार नहीं कर सकते। तब तक देर हो जाएगी, मुझे अभी जाना होगा। ये नामुमकिन है। कोई भी आदमी इतनी सुंदर पत्नी को तलाक कैसे दे सकता है और इतने प्यारे बच्चे को छोड़ कैसे सकता है? हा? एक हफ्ते में, बस एक हफ्ते में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मेरे डैड पिछले 9 महीनों से घर नहीं आए हैं। तो क्या हुआ, उन्हें जल्द ही पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उनके इंतजार में सारे पैसे खत्म हो गए। मैं खुद को समझाती रही कि वो एक दिन वापस आएंगे, पर वो नहीं आए। और आया तो ये तलाक के पेपर्स। अब मैं क्या करूं? अब मैं जीना नहीं।
नहीं चाहती हूँ। देखो तुम रो मत, चुप हो जाओ। अभी तो तुम्हारी सारी उम्र पड़ी है, तुम जवान हो, खूबसूरत कितनी खूबसूरत हो, है ना? तुम्हारे साथ तो कोई भी शादी करने को तैयार हो जाएगा। तुम करोगे मुझसे शादी? मैं वो जवाब दो मुझे। देखो मैं अपनी बात नहीं कर रहा था, मेरे अलावा और भी कई मर्द हैं, उनकी। तुम भी तो मर्द हो, सब झूठे हो, तुम सब झूठ बोलते हो, भरोसे के लायक नहीं हो। मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ, ऐसा मत करो, रुक जाओ। बहुत से मर्द तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएंगे, ये सच है, यकीन करो मेरी बात पर। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई भी मर्द नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। जरूर करेगा, मैं करूंगा। I love you. तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो, बस तुम हाँ कह दो और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम क्यों करोगे मुझसे शादी? तुमने पहली नजर में प्यार के बारे में कभी नहीं सुना? मेरे पति ने जब मुझसे शादी की बात की थी तो मेरे लिए गाना गाया था, मैं इतनी भावुक हुई कि हाँ कर दी। तुम मेरे लिए गाना गाओगे? पर मुझे गाना नहीं आता। अगर कोई मर्द किसी औरत से प्यार करता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, गाना तो गा ही सकता है। पता है कितना गंदा गाता है? कितना गंदा? अरे बहुत ही बुरा, बहुत बेसुरा है। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जीने साजन, के प्लीज, लिए प्लीज गाना मत गाओ। बचाओ दल ने उस महिला को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर मुमकिन तरीका अपनाया, यहाँ तक कि वो गाना गाने से भी बाज नहीं आए। जो भी हो, हमें उनकी इस कोशिश की सराहना करनी चाहिए। सांसों को जरूरत हो जैसे जीने के लिए, हाँ तू ही है वो सनम मेरे प्यार के लिए, बस तू तू ही है। क्या कर रहे हो? कोई मुझे बचाओ! जल्दी उसे उतारो, जाओ! आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना? कौन हो तुम? जरा देखो तो सही, तुम हो कौन? ये मैं हूं। माफ करना, चश्मे के बिना मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अब हो रही? नहीं, अब नहीं हो रही। तुम्हें पता है? मैंने एक औरत को बचाया, अच्छा किया ना, बहुत खतरा था। मैंने कहा बहुत खतरा था। सुपरमैन के लिए कैसा खतरा? क्या हो गया है तुम्हें? तुम जैसी समझदार लड़की भी उनकी बातों में आ गई? हाँ इत
इतने सारे लोग कह रहे हैं कि आप सुपरमैन हैं। पापा, आपने कभी मुझे बीते हुए सालों के बारे में नहीं बताया, और मम्मी उनके बारे में भी कभी नहीं बताया। बस ये कहा कि वो मर चुकी हैं, पर कैसे ये नहीं, वो कैसे दिखती थी ये भी नहीं पता। आखिर क्यों? अपने पापा पर भरोसा नहीं है? नहीं है। तुम्हें उन बेवकूफों की बेतुकी बातों पर भरोसा है, पर अपने पापा की बातों पर भरोसा नहीं? बताओ। तो फिर आप फॉस्टर डॉक्टर को अजीब सा मार्शल आर्ट्स क्यों सिखा रहे हैं? वो बेवकूफ हैं, एक नंबर के गधे, मेरी बात नहीं मान रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें बुद्धू बनाया, समझी? पापा, आप मुझे भी बुद्धू बना रहे हैं? मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करूंगा? देखो, मैं नहीं चाहता तुम किसी के सामने रो, समझी? रोना बंद, हाँ, हंसना चालू। तुमने अभी तक खाना तो नहीं खाया होगा। किकी, तुमसे मिलने एक परी आई है। हेलो। हाय, खाना लाई हूँ। मुझे भूख नहीं है, बल्कि मुझे पता ही नहीं है कि भूख होती क्या है। किकी, सुनो, तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई? अब क्या कहूँ, वो इस उम्र की लड़कियों की सोच थोड़ी अलग होती है, और तुम अकेले भी हो, तुम्हें उसकी सोच समझनी चाहिए। ये लो, तुम खाना खाओ, मैं उससे बात करती हूँ। डॉक्टर के मुताबिक तुम्हें हल्का सा सदमा पहुंचा है, एक दो दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या तुम यहाँ पर रह सकते हो? क्यों नहीं। मेरा नाम सू है। मेरा नाम मास्टरसन है, तुमसे मिलकर खुशी हुई सू। बहुत मीठा है। ए, तुम ही हो ना जिसकी मम्मी को कल बचाया गया था? हाँ। अरे, तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ? टैलेंट इंटरनेशनल स्कूल में मास्टरसन नाम के 3 विद्यार्थी हैं, पर वो सब की सब लड़कियां हैं। तो क्या वो किसी और स्कूल में तो नहीं है? डॉक्टर मास्टरसन ने 2078 में स्कूल को नई इमारत दान की, उस वक्त उसने बताया कि वो 10वीं तक टैलेंट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा है। शायद वो सच कह रहा होगा। मास्टरसन ने 2021 में ग्रेजुएशन की, इस हिसाब से उसे इस वक्त 6ठी क्लास में होना चाहिए। हो सकता है कि वो किसी और स्कूल में ट्रांसफर हो गया हो। उस स्कूल के कुछ स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। हाँ, इससे पूछ लेते हैं। बेशक किकी के डैड सुपरमैन है, मैं उनका चेला हूँ, और किकी मेरे क्लास में पढ़ती है। तो उसकी एक बेटी भी है। वो सुपरमैन है, एक मुक्के से बंदूक को तोड़ देते हैं। होगी। बहुत ठंड है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी जैकेट मुझे देनी चाहिए? अच्छा, दे दूं? किड, हम दोनों बच्चे नहीं हैं, और हम किसी पुराने जमाने में भी नहीं। तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ। हमेशा नजरअंदाज करते हो। सियाह लड़की से प्यार करते हो क्या? जब भी मैं पूछती हूँ तुम खांसना शुरू कर देते हो। असल में मैं कीकी की मम्मी को भुला नहीं पाया हूं। तुम जैसे अच्छे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, उसकी याद मिटने तक इंतजार करूंगी, हमें प्यार हो जाएगा। मेरे पास वक्त नहीं है।
पागल हो गए हो? ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, एक टैक्सी आ रही। टैक्सी, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं बाद में फोन करूंगा। मुझे घर नहीं जाना है। पर क्यों? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देखो, बहुत देर हो गई है, मुझे घर नहीं जाना। देखो, तुम्हें अपने साथ ना रखने की कुछ वजह है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। नहीं, मुझे अभी बताओ। मैंने कहा ना, मैं बाद में बता दूंगा। बाद में क्यों? आखिर तुम मुझे साफ साफ बताते क्यों नहीं? मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। फिर सोच लो। सोच लिया है। तुम नहीं जाओगी तो मैं जाता हूँ। चलो। चाहते हो? ये खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है, खाकर देखो ना। आखिर तुम अपनी मम्मी के पास क्यों नहीं जाते? हाँ, वो बहुत दिनों के बाद अपने फियांसे के साथ खुश है, मैं उनके पास क्यों जाऊं? तुम तीनों को छोड़ दिया, मुझे यहाँ अभी तक बांध के रखा और तुम्हें छोड़ दिया। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे छोड़ दो। छोड़, मेरी मदद करो। जाने दो, मुझे जाने दो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो ना। हिलना मत। मिस हॉली, बचाओ। हाथ ऊपर करो। क्या तुम मास्टरसन को जानते हो? डॉक्टर रॉबर्ट मास्टरसन। डॉक्टर मास्टरसन? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरा एक क्लासमेट है जिसका निकनेम डॉक्टर है। तुम किड्ज़ाओ के चेले हो ना? हाँ बिल्कुल। वही करो जो तुमसे कहा था। इन तीनों का ऑपरेशन कर दो। इस काम के पूरे औजार नहीं है। बहाने मत बनाओ, जितना है उससे काम चलाओ। तुम दोनों किट के दोस्त हो ना? हाँ मैं हूँ। अगर तुम उसके दोस्त नहीं हो तो फिर तुम उसके दुश्मन हो। अच्छा, मान लिया हम उसके दोस्त हैं। तो फिर मैं तुम्हारा भी ऑपरेशन कर देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं करवाना। मुझे हाँ, करवा लो। ऑपरेशन के बाद तुम अच्छी लगोगे, करवा लो। अच्छा, मेरी शक्ल किसी हीरो जैसी कर दो। मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ। क्या उनका पता चला? 60 साल पहले इंटरनेट की स्पीड बहुत कम थी, इसीलिए शायद इनके ट्रैफिक सिस्टम के सर्वेलेंस नेटवर्क में जाने के लिए 2 मिनट लगते हैं। अब पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही वो उतरेंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। Yeah!
जाओ जल्दी से पुलिस को बुलाओ। क्यों पापा? जैसा कहता हूं करो। नहीं, मैं हूं फ्यूचर एक्स कॉप। वाह, क्या बात है!
फ्यूचर एक्स कॉप, आखिर तुम आ ही गए। तुम्हारा थर्मो डिटेक्टर फियोना और मेरा पता नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान एक सांप से भी कम है। अगर इस लड़की और बच्चे को बचाना है तो अंदर आ जाओ। शाबाश, मैं तुमसे साफ साफ बात करूंगा। बताओ डॉक्टर मास्टरसन कहाँ हैं और फिर मैं इन्हें छोड़ दूंगा। मैं आतंकवादियों से सौदेबाजी नहीं करता, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भूल कर रहे हो। डॉक्टर मास्टरसन इस युग में नहीं है, मैं उन्हें 2 साल से ढूंढ रहा हूं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगा? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मर्द हो तो इन तीनों को छोड़ दो। नहीं, 3 नहीं 4, हमारे साथ भोंदू भी है। मैं यहाँ हूँ, अब मेरा क्या होगा? देखो, घबराओ नहीं, ये तो अच्छा है, तुमसे उब जाने पर चैनल बदल दूंगी। चुप रहो और याद रखो, अगर मैंने रिमोट कंट्रोल दबा दिया तो ये लड़की जलकर खाक हो जाएगी। अगर तुम सोचते हो कि 60 साल पहले के हथियार बहुत बेकार हैं, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि ये अब भी काम करते हैं। किट, तुम मेरी चिंता मत करो। क्या बात है, लगता है इससे बहुत प्यार करते हो। जवाब दो। हाँ, बहुत प्यार करता हूं। और सुन लो, अगर इसे मारा तो तुम्हें डॉक्टर मास्टरसन कभी नहीं मिलेंगे। जाओ, उन्हें बचाओ। ठीक है। इन्हें लेकर जाओ जल्दी। जी अच्छा, जल्दी। चलो चलो। वाह, आप सच में सुपरमैन हैं। पापा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? शांत हो जाओ, इसे अपने साथ ले जाओ मिस हॉली। जाओ। सर्जन मास्टरसन। वाह, तुम्हारा ये हुलिया कैसे बदल गया? ये एक लंबी कहानी, बाद में बताऊंगा, फिलहाल मुझे जाना होगा। ये तो सच का सुपरमैन है। हाँ। अब मेरा क्या होगा? घबराओ नहीं, मेरे उस्ताद तुम्हें फिर से पहले जैसा बना देंगे। डिपार्टमेंट ने वो रिपोर्ट पढ़ी है जो आपने सौंपी थी। ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ और जवाब जानना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि आप कुछ समय और रुककर कुछ और वैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। हाँ। मैं तैयार हूं। वो नहीं चाहते हैं कि ये बात आम जनता तक पहुंचे और हर तरफ खौफ की लहर दौड़ जाए, इसलिए सब गुप्त रहना चाहिए। ठीक है सर। मुझे माफ करना। तुम पुराने लोग भी अजीब हो, हमेशा माफी मांगते रहते हो, पता नहीं क्यों। सर्जन मास्टरसन कहाँ है? वो शायद वो अपनी शादी की तैयारियों में जुटे हैं। क्या, इतनी जल्दी? हाँ।
हमारी कब होगी? मैं बस मजाक कर रही थी, तुम इतनी सीरियस मत हो। मैं एक महीने में चला जाऊंगा, मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए। अगर मैं तुमसे एक महीने के लिए प्यार कर लूं तो वो बाद में तकलीफ होगी। नहीं, मैं खुश रहूंगी। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अफसोस, तुम्हें जाना होगा। मुझे माफ करता। माफी क्यों मांग रहे हो? मैं एक वादा करती हूँ, हम एक दूसरे से एक महीना प्यार करेंगे और उन यादों को संजो कर रखेंगे। मास्टरसन का कुछ पता नहीं लग पाया। हो सकता है जानकारी गलत हो। भोंदू कहाँ है? यही है? स्पेशल फोर्स यूनिट में है वो, और अब कैप्टन बन गया है। अच्छा हुआ ना उसके लिए। हेलो बॉस, मैं आपके पीछे हूँ। मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा। तो तुम मुझे ले जाने आई हो? हमें सही दरवाजे पर जाकर आपको 2000 रस्से में टेलीपोर्ट करना होगा। कब जाना होगा? लगभग 2 घंटे बाद। सर, एक बात कहना चाहती हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। वैसे तुम भी कम नहीं। तब तो मुझे हैंडसम सा बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा। बेशक। उस्ताद, उस्ताद, कह रही है कि क्या हुआ? आप जल्दी ही जाने वाले हैं। ये सही है। हमारे जाने के बाद मेरे बारे में मत सोचना, ठीक से पढ़ना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना। वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हें ईमेल करूँगी। कल मुझे भी एक जरूरी काम करना है। कौन सा काम? मुझे आइडेंटिटी कार्ड पे अपना नाम बदलना है। ये किसने बना के दिया? मेरी मॉम ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब से मैं अपनी सभी कमीजों पर KW लिखवाया करूंगा। ये मेरे पापा के नाम के पहले 2 अक्षर हैं। तुम्हारा कोई दूसरा नाम भी है? हाँ, आज ही रखा है मेरे डैड ने मेरा नया नाम, रॉबर्ट, रॉबर्ट KW मास्टरसन। अच्छा नाम है ना, रॉबर्ट KW मास्टरसन। गड़बड़ है क्या? कुछ नहीं, तुम्हारी याद आएगी। हमारे जाने के बाद तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है? हमेशा याद रखना, दुनिया में विज्ञान है बस, कोई सुपरमैन नहीं। दिमाग में कोई भी नई बात आए तो दुनिया को बताना। समझ गए? समझ गया। क्या हम दोनों कभी फिर से मिलेंगे उस्ताद? हाँ, शायद मिल भी सकते हैं। मैं जरूर मिलूंगी। ये
अच्छा तुम दोनों जाओ यहाँ से। जाओ, जितनी दूर हो सके चले जाओ यहाँ से। जाओ। बैकअप के लिए स्पेशल फोर्स को बुलाओ जल्दी। ठीक है। चलो चलो जल्दी बैठ जाओ और चुप जाओ। हुआ क्या है? इस लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। आजा। जल्दी करो, नीचे नीचे छुपते हैं। वहाँ उस तरफ।
जल्दी फायर करो। वो ठीक कह रहा है, हमें कूदना ही होगा। मैंने कहा कूदो, जल्दी कूदो। जाओ KW को ढूंढो, वही डॉक्टर मास्टरसन बनेगा। लेकिन तुम मेरी छोड़ो, डॉक्टर मास्टरसन को कुछ नहीं होना चाहिए, वो मानव जाति के भविष्य हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर मास्टरसन को ढूंढ लूंगी, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम नहीं मरोगे। मैं तो सुपरमैन हूं ना, मैं नहीं मरूंगा। अलविदा। रुक जाओ। पापा। उसे छोड़ दो, मैंने कहा उसे छोड़ दो। अपना ऊर्जा यंत्र मुझे दो, उसके बाद ही मैं इसे जाने दूंगा। उसे छोड़ो। पापा! 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 मैं एक रोबोट हूँ पापा। मार दो इसे। तुम्हें बताया नहीं कि तुम एक रोबोट हो। तुम्हारी मां की मौत से पहले तुम बहुत ज्यादा बीमार थी। उसकी मौत के बाद तुम भी बहुत जल्दी चल बसी और मैं अकेला रह गया। मैं एक रोबोट हूं, भविष्य में जाने के बाद मुझे फिर बना लेना, ठीक है ना पापा? नहीं, अब और नहीं।
गई है पापा, मेरी बात सुनिए। मत फियोना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा, उन्होंने मेरे दिल पर वार किया है, इसीलिए नहीं मर रहा है वो। वो सिर्फ तब मरेगा जब उसका दिल खत्म होगा। उस्ताद को अभी बताना चाहिए। मारने के लिए उसके दिल को खत्म करना होगा। बस अभी यार, तुम चलो। उस्ताद, सर वापस लौटने का दरवाजा 5 मिनट में खुलेगा, हमें अभी जाना होगा वरना हम नहीं लौट पाएंगे। मत आओ, हाँ
इससे पहले कि मैं रो दूं, तुम चले जाओ। सन 2082। हेलो, कैसे हैं आप? जी, कैप्टन किड्ज़ाओ यहीं पर हैं। वो काम के बाद लगभग हर रोज यहाँ आते हैं। मुझे लगता है मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम पहले भी आए थे ना? तुम्हें याद है? मेरी लव स्टोरी सुनना चाहोगे? हाँ, जरूर। जब मैं जवान थी, मुझे एक आदमी मिला था। उसने बताया था कि वो भविष्य से आया है, इसलिए मुझसे प्यार नहीं कर सकता। मैंने कहा कि क्यों ना हम लोग एक दूसरे को एक महीने के लिए प्यार कर लें, और फिर हमने महीने भर प्यार किया। तुम सुन रहे हो ना? एक एक लफ्ज सुन रहा हूं। मैं सोच रही हूं, अगर मैं और थोड़े दिन जिंदा रही तो मैं उसकी उम्र की हो जाऊंगी, और शायद मैं उससे फिर से मिल पाऊं। ये मुमकिन है।